फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रोज बोले जाने वाले टॉपिक। फ्रेंड्स हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर बोलना पड़ता है जहाँ हम कहते हैं मैं तुमको खेलने नहीं दूंगा, मैं तुमको पढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुमको वहाँ नहीं जाने दूंगा या मैं तुमको यह नहीं करने दूंगा। तो फ्रेंड जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ आप कहें कि कोई इंसान किसी को कोई काम करने नहीं देगा यानी करने की परमिशन नहीं देगा, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप आई नॉट लेट यू करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे आइए इस बात को एग्जाम्पल में बेहतर तरीके से समझे। फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I'll not let you go। अगर आपको कहना हो कि मैं आपको बोलने नहीं दूंगा I'll not let you speak। मैं आपको रोने नहीं दूंगा I'll not let you weep। मैं आपको खेलने नहीं दूंगा I'll not let you play। मैं आपको बकबक नहीं करने दूंगा I'll not let you talk nonsense। मैं आपको पढ़ने नहीं दूंगा I'll not let you read। मैं आपको काम नहीं करने दूंगा I'll not let you work। तो फ्रेंड जब कभी भी आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहें कि मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा तो आप कहेंगे आई नॉट लेट यू, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है आप उसे बोलेंगे। फ्रेंड्स बाय द वे अगर आप सब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं जैसे अगर आपको कहना हो वह मुझे नहीं पढ़ने देगी तो फिर आप कहेंगे सी विल नॉट लेट मी रीड। वह मुझे नहीं जाने देगी सी विल नॉट लेट मी गो। वह मुझे काम नहीं करने देगी सी विल नॉट Let me work। वह मुझे नहीं पकाने देगी She will not let me cook। यानी अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता जो आपका सब्जेक्ट है आप उसे बोलें, और लेट के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्ट फॉर्म में बोलेंगे जैसे आई का मी, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, वी का अस और यू का यू होता है। बाय द वे फ्रेंड्स अगर इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट में हो तो भी आप इसे बड़े आराम से बोल पाएंगे। इस कंडीशन में जब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो आप विल का इस्तेमाल न करें। जैसे अगर आपको कहना हो वे मुझको पढ़ने नहीं देते हैं तो आप कहेंगे दे डोंट लेट मी रीड। वे मुझे काम नहीं करने देते हैं दे डोंट लेट मी वर्क। वे मुझको कोशिश नहीं करने देते हैं दे डोंट लेट मी ट्राई। और बाय द वे फ्रेंड्स अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको पास्ट में बोलना हो तो आप डिडंट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे वे मुझको नहीं जाने दिए तो आप कहेंगे दे डिडंट लेट मी गो। वे मुझको नहीं खाने दिए दे डिडंट लेट मी ईट। वे मुझको नहीं नाचने दिए दे डिडंट लेट मी डांस। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं कि मैं तुमको कोई काम करने नहीं दूंगा या वे मुझको पढ़ने नहीं देते हैं या वे लोग मुझको जाने नहीं दिए बड़े आराम से बोल पाएंगे। फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।